अस्सलाम वालेकुम, मैं शमीला वसीम, कहते हैं आप सब। जी अभी सुबह का टाइम है, मैंने सुबह सुबह लगा ली थी मशीन, कपड़े धोकर हो गई हूँ फ्री। अभी नान के स्कूल जाने में टाइम है तो मैंने कहा चले कुछ देर मैं भी रेस्ट कर जाती हूँ, लेट जाती हूँ, फिर नान के स्कूल जाने का टाइम होगा, उठ जाएंगी वसीम काम पर चल जाएंगे और हनान स्कूल चला जाएगा। सुबह सुबह इसलिए मशीन लगा ली, आपको बताया बढ़ता और जैसा सो रहे हो तो उठे होना तो लोग तंग बहुत करती है, मैं अपनी नींद तो ख़राब कर लेती हूँ, पर कपड़े बड़े स्मूथ से मेरे वॉश हो जाते हैं, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के मशीन लगा लेती हूँ। तभी जी कुछ देर रेस्ट करते हैं, फिर नान के स्कूल का टाइम होगा, फिर दोबारा उठ जाऊँगी। ये जी वो उधर आधे कपड़े डाल दिए, आधे यहाँ पर डाल दिए, सारे यहाँ पर डाल दिए, तभी सूखेंगे तो फिर उतार लेंगे सारे कपड़े। जल्दी जल्दी खा लो, नान को मैं आज चाट घर ही दे दिया है, मैंने कहा खा के फिर स्कूल जाया करो, ठीक है ना, लंच साथ ले जाया करो, ही खा के चले जाओ। शाबाश, सेम भी नहा के इधर आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज मैं लेके आया हूँ साग, मैंने कहा आज साग पकाते हैं। हूँ क्या होता है? तो मैंने कहा सुबह मैं कह रही हूँ साग ले लो, साग वाला है, कहते नहीं साग ना लेना, खुद बाहर गया है, देख ले तो साग ले। वो मुझे ना क्या कहते हैं बरकी डेरे का साग था, वहाँ का साग बड़ा अच्छा होता है, मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा भाई कहाँ से लेके आया, उसने कहा बरकी से, तो फिर मैंने इसलिए उससे ले लिया। और कितना लिया? 2 किलो। और पालक? पालक मेरे ख्याल आधा किलो, 3 किलो लेनी थी ना, किलो लेनी थी, चलो देख लेना थोड़ी सी और ले लेना, मेरे हिसाब से तो इतनी काफी होती है ना। नहीं, अम्मी ने कहा था 2 किलो पालक साग, किलो पालक, एक बाथू की गिट्टी आधा पाइया पाओ की, और पाइया भी आया ही नहीं है, वो कह रहा था अब आधे तो लगा रहा था साग पालक मेथी है उसके पास, मेथी है। चलें ठीक है, सिर्फ आपने यहाँ से मिर्चे लेनी है, मिर्चे लेके तो वो डाल लेना, सिर्फ हरी मिर्चे डालिएगा, लाल मिर्चे नहीं, नहीं सिर्फ हरी, हाँ लाल मिर्चे नहीं डालनी। आओ मैं देती हूँ, वो भी निकल गई बाहर, चलो जाओ स्पून दे दिए जी, कपड़े काफी सूख गए हैं। जी जी ये सीन ले गया साग, ये फूल कितने प्यारे लगते हैं ना, येलो फ्रेश साग है, देखिए देखने से ही पता लग रहा है, कभी दोपहर को उसको बना के ना टाइम पर रख दूंगी। वसीम अभी गया है हनान को स्कूल छोड़ने, आज वसीम ने ना थोड़ा लेट जाना है, अपने बॉस के घर से ना उनका लंच लेके फिर जाना है, मैंने कहा चले ठीक है, तो वो जो फ्रूट चाट है वो तो मैंने बना लिया, फिर वसीम ने लेट जाना है ना, जाने से पहले वसीम को नाश्ता करवा देंगे ना, मेथी वाला पराठा बना दूंगी, वसीम वो करके फिर काम पे चले जाएंगे। मुझे देख मेरा बेटा जैफा बोला कहता मामा चलेल बन जाती है बाहर बोल के चलेल बन जाती है, क्या कहता है, इतनी प्यारी पोनी बना, तो ठंडे हाथ हैं। चलें जी जनाब, डाले कटोरी में और खाते हैं, वसीम डिनर सर की ये कटोरियां देखना जरा, पैसे पूरे हो गए, 10 साल हो गए हैं, चलो जी कोई गल नहीं, अल्लाह पैसे देगा इंशाल्लाह, नवे लेके आवांगे, डिनर सेट लेके, अगर अब बाकी तो सारा कुछ सही अगर है, अगर अब तक दुबई में होते ना तो शायद डिनर सेट भी आ जाता, पहले भी तो इतनी चीजें आई थी, तो चलो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, हम अपना ले लेंगे। हेलो, आगे ये रेंट पे था है? ये रेंट पे था है मेरे ब्याह दासी, बस यही खराब हुई हैं कटोरियाँ, बाकी तो डिनर सेट बिल्कुल ठीक है, देखिए जैसे बोल है सारा कुछ सही है, यूज बहुत होती रही है ना। हाँ जी शहजादे, मैं कहती हूँ जल्दी से बाल लंबे और इधर से पकड़ के ना पोनी डालो, इधर इतनी मुझे प्यारी लगी है, इधर पीछे पोनी ना, चलें आपको भी खिलाऊं, जाफा का हिसाब रखा हूँ, जाफा सो रहा, आपने खानी है, आपने खानी है या? हाँ जी, ये कहीं मुर्गा नहीं चुप करते, मैं बना रही हूँ मेथी वाले पराठे, चूल्हा पे देखिए कितना गंदा होगा, अभी इसको साफ करती मेथी भून रही थी। हाँ जी हेलो वसीम को जी, यहाँ पे दिलाई मैं खोल दूँ, आपसे नहीं खुलना, गर्मा गर्म मेथी वाला पराठा तो नहीं खुलना कि मेथी वाला पराठा। हाँ जी, अच्छा आप सुबह दही लेने गए ना, मेरे जेहर में बिता वसीम से कहूँगी थोड़ा दही एक्स्ट्रा लेना, दोपहर को चटनी बना के खाएंगे, तो भूल गए इसके साथ मैं बना के खाने थे, मैं भूल गई, चलें जी आप नाश्ता करें खाने, आपने भी करना नाश्ता, ये आंटी ने 20 रुपीज, ये 10 रुपीज, पापा वो भी दो ना, वो भी दो, सारे पैसों की चीज लेके दे ना, ईमानदारी से मैं वीडियो बना रही थी, देखते कितने की लेके दे, बाय 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 बाय, वरदा वरदा वरदा, बाय बाय।
दोनों बंद है दुकान। फिर आ जाओ भी जाए फाबा उठेगा तो वो चीज़ ला देगा। आज क्यों हमारा शॉर्टकट बंद हो गया लेते वहाँ पर रहने बाहर उधर कल इंटर उठा के रख रहे थे। चला आ जाओ। वसीम वर्दा का छोड़ गया है, दोनों दुकानें बंद है। आपको पता मौसम चेंज हो गया, सुबह सुबह उठ के सर्दी लगती है, फिर वो थोड़ी लेट दुकानें खोलते हैं। जिनकी दुकान के अंदर यानी घर के अंदर शॉप है वो जल्दी खोलते हैं, उन्हें बाहर भी चारों ने लगानी होती है, चार पहिया बिछा के तो वो लेट ओपन करते हैं। जी बोतल मार दा खाली मेरे को बोतल। तो अभी वेट करेंगे जी हनान का, हनान आएगा, मैं भी अपने लिए तभी नाश्ता बनाऊंगी, बना लेंगे मेथी वाले पराठे जो कल बनाई थी। और हाय अल्लाह जी, अच्छा जी दूध देती हूँ। तो फिर उन्हें खाना छाना दे के फिर साग बनाऊंगी। साग में मिर्चें नहीं है, वो वसीम कहते इसके पास थी नहीं, तो मैंने कहा चले मैं ले आऊँगी। और अदरक मुझे ना थोड़ी कम लग रही है साग के लिए, वो भी ले आएंगे। इसको पहले मैं दूध दे दूँ। चलो जी दूध लेके आई। हनान मेरा स्कूल से आ गया और उसके फ्रेंड आए उनके पास खड़ा हुआ है। अच्छा मैं देती हूँ। कह रहा मामा मुझे जल्दी से रोटी बना दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे फ्रेंड लंच नहीं था लेके, हमने मिलके कर लिया तो मेरा पेट नहीं भरा हुआ। मैंने कहा अच्छा जी चले ठीक है। तो किचन में चलते हैं जल्दी से। हनान भी उसके फ्रेंड आए हैं, उन्हें भी मिलके बना देती हूँ। दोनों तीनों मिलके खा लेंगे, तीन दो दोस्त हैं, हनान है। तो किचन में चलते हैं। हनान के लिए भी आलू मेथी वाला पराठा बना कर लाती हूँ और अपने लिए भी बना कर लाती हूँ। कपड़े उतार के मैंने वहाँ चेयर पर रख दिया है। मैंने कहा साग बना के शाम को फ्री होकर ना फिर ये सारे कपड़े समेट के ना अलमारियों में रख दूँगी। ये जी यहाँ गर्मा गर्म और क्रिस्पी क्रिस्पी मेथी वाले पराठे बन रहे हैं। डर ही लगता है कि छीलना पड़ जाए। कहाँ गए नान भाई उसके फ्रेंड? सिज्जी लेने गए नान भाई के 200 के बैग। एक पराठा मैंने बना दिया, कोर बना देती वो नान के कैसे खाएंगे। ये खा ले फिर और बनाती हूँ मैं। शर्ट तो पहन लेते। कह रहा मामा मुझे बहुत भूख लग रही, पहले मुझे रोटी बना दो फिर नान को बना दिया। नान के फ्रेंड चले गए, उन्हें कहता खाना खा लेना, कहता नहीं मेरा भाई लेने आ गया। चलो आप खा लो शहजादे, आप भी खा लो। कि मैं चो ना लगता है चक्रे जाओ ना आके मेरे धी का रूप ही आ जाता। इधर आप बटन बंद करो आप कर पीछे से इधर आओ। मैं जी यहाँ अपने लिए भी गर्मा गर्म मेथी वाला पराठा बना कर ले और हनजैफा साहब गया नानो घर खेलने आएगा, उसको पीर बना दूंगी। क्या कर ले यो? अच्छा चलो बैठो तो सही, खाती हूँ। कह रहा इतनी भली मैं कैसे खाऊंगा। चल मेरा बेटा तू खा, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, नमाज को देर हो रही है। आप ही ऊपर वाला पलाता खा लो, नीचे वाला लेने दो वो मैं खा लूँगी। ठीक है ओके चलो खाओ मेरा बेटा, गर्म बहुत है अभी। ठीक है खेलो। नमाज अदा करके जोहर की बच्चों को खाना खिला के हो गई, अभी मैं फ्री। किचन में चलते हैं जाके साग लेके आते हैं और साग बनाना स्टार्ट करते हैं। अब रखूँगी शाम को ही 7 बजे तक 8 बजे तक पकेगा तो फिर कहीं जाके मज़े का बनेगा। पहली सर्दियाँ जब आती थी ना मैं सुबह ले ली थी 8-9 बजे, पर नींद नहीं पूरी होती है। बच्चे वसीम सो जाते रात के यही मन में, मैं देर तक बैठ कर ना वीडियो एडिटेड देखती रहती हूँ, थंबनेल बनने का तरीका, ऐप करके ये ऐप के ट्राई कर वो पे कर ऐसे करके ना, तो बस इतना टाइम हो जाता है, नींद नहीं पूरी होती फिर, इसलिए लेट उठते हैं। तो अभी साग भी लेट ही बनाने लगी हूँ, तो जल्दी से लेके आते हैं बिना टाइम वेस्ट के। किचन में चलते हैं सारी चीज़ें लेके आते हैं और साग बना। साग मैं अभी सारा ले आई हूँ, टोकरियाँ भी ले आई हूँ, तो जल्दी से साग कटिंग करते हैं। साग है और पालक है, फिर जाकर ना मिर्ची और वो लेके आती हूँ। अदरक अदरक है पर वो थोड़ी मुझे कम लग रही है। साग यहाँ पे सारा मैंने कटिंग कर लिया, साग भी पालक भी दोनों चीज़ें हैं, मिक्सी है, नीचे पालक है फिर साग है। और ये सारा गंद निकला, ये ख़राब डंडल है, ये सारे मोटे मोटे ना ख़राब डंडल है। तो अभी इनको धो के रखते हैं, फिर मैं और वर्दा चलते हैं जाके ना अदरक और हरी मिर्ची लेके आते हैं। साग यहाँ जी धोकर पानी डाल के मैंने रख दिया था, असर की जाने हो गई हैं, फिर ठहर के जाती हूँ मिर्ची और अदरक ले। साग बनाकर धोकर मैं रखा ही हूँ चूल्हे पे, मैंने कहा दुपट्टा चेंज कर लूँ फिर चलते हैं बाजार। मैं और वर्दा जाके हरी मिर्चें और लहसुन अदरक सारी चीज़ें जो लानी वो लेकर आते हैं। मैंने कहा लहसुन भी ले गया तो कम ना पड़ जाए, बस दुपट्टा ले चले बोला चले बाजार। चलो चलते हैं ओके। हाँ जी चले चलो चले चलो आ जाओ चलो चले इधर। क्या खा रही लो पैसे मुझे दो चीज़ के दे दो प्लीज़। रोटी किसने दी है? आंटी की रोटी दी है। चलो आ जाओ। क्या हुआ भैया आ गया की लेके जा रहे हैं कि बोतल छापर जे परौने आए
परौने आए रे? मैं पीनी है। अच्छा वाह भाई वाह। चलो जी हाँ जी अल्लाह अल्लाह जल्दी आओ, जुती पहन के आओ, जुती लेके आओ, ये मस्जिद में घुस गई है, जुती लेके आओ अपनी, जुती लेके आओ जल्दी जाओ। दे रहे अंकल पापा मस्जिद में नहीं जाती। अच्छा मस्जिद में नहीं जाती। चलो ठीक है घर चले, नानो घर चला, मिर्ची वगैरह भी ले लिया थी, घर चल के चले घर, एक मिनट भी दे दो नहीं आप। अच्छा इधर आओ ना, अभी चलते हैं, इधर से नानो का घर नहीं आता, जब कभी नानो का इधर से नहीं आता वो आगे से आता, आ जाओ आ जाओ। अच्छा इधर से नहीं आता, आओ नानो घर ही जाने लगे हैं, घर ही नानो का घर, आओ आगे वाली गली में से आता, आओ मैं आपको दिखाऊँ, आओ आओ मैं आपको दिखाऊँ नानो का घर का। मिर्ची भी मैंने धोकर डाल दी है सारी, तो भी साग हमारा पक रहा है, साग जी हो गया, इतनी पतीली भर के रखा था, इन्नू सा रह गया, तो अभी मैं इसको घोटा लगाऊं, इसका पानी वो कुछ करूं, फिर इसको तड़का लगाएंगे लहसुन अदरक का। यहाँ जी मैंने साग को ना अच्छे तरीके से घोटा लगा लिया, यहाँ लहसुन अदरक भी कटिंग कर लिया जितना मैंने साग को तड़का लगाना, बाकी सुबह लगा लेंगे। बैठ जाओ जी, आपकी है इसने छोटी सी उजैपा की है, और वो मेरी है, साग बन के आ गया था गर्मा गर्म मजे का, कहीं इसके ऊपर होता ना मक्खन या देसी घी, आए हाय 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 मज़ा आ जाना। चलो कोई गल नहीं, खैर है चलो जैफा साबन छोड़ दो और वो खा लो रोटी, चलो खाओ। साग बना कर खा कर हम हो गए हैं फ्री, तो अभी मैंने कहा जो कपड़े हैं ना सारे ये समेट लूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं बच्चों के बहुत ज़्यादा होते हैं कपड़े, तो जल्दी से जी ये सारे जो कटिंग के पहाड़ी है इसको ख़त्म करते हैं और अपनी वीडियो करते हैं यहीं पे, एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।